सपा की तेज तरार नेता पूजा शुक्ला ने सिलाई सेंटर का किया उद्घाटन। आपको बता दें कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 172 दौलतगंज वार्ड लखनऊ समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा शुक्ला ने सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा शुक्ला जी उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मेहनत कर रही हैं और यहाँ की जनता पूजा शुक्ला के कामों से बहुत खुश हैं। जनता ने पूजा शुक्ला को विश्वास दिलाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता हर तरह से समाजवादी के साथ में है। वहीं पूजा शुक्ला ने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि अगर समाजवादी की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। अब्दुल रहीम आज़ाद की रिपोर्ट। पूजा शुक्ला जी हमारे साथ में हैं और आने का परिपथ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि जो उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आज आ पाई हैं। देखिए, हमारे उत्तर विधानसभा में लगातार महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। उसी कड़ी में हमारी बहन हलीमा जी ने हलीमा सिलाई सेंटर खोला है। किस तरह से शिक्षा और हुनर दोनों का अनुभव वो यहाँ के लोगों को दे रही हैं। उन्होंने लगातार सिलाई के क्षेत्र में हो या श्रम के क्षेत्र में हो महिलाओं के बीच में काम किया है और इस सिलाई सेंटर के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं। और हमारी बहन ने हमें यहाँ आमंत्रण दिया कि वो यह कार्य यहाँ पर कर रही हैं और मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर तमाम संख्या में महिलाएँ भी आई थी जिनसे मैंने बात की। तो लगातार जिस तरह से हलीमा जी ने इस क्षेत्र में काम किया है वह अपने आप में काबिले तारीफ है कि जहाँ पर सरकार को एक तरफ रोज़गार देना चाहिए तो सरकार अपने किसी भी काम में पूरी तरह से सफल नहीं है, लेकिन हमारी बहन हलीमा जी ने जो प्रयास किया है यह अपने आप में सराहनीय है, काबिले तारीफ है। क्योंकि हर महिला को रोज़गार से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना इस देश की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर उसका बीड़ा यहाँ पर हमारी बहन ने उठाया है तो हम सारे लोग इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उत्तरी विधानसभा से आप प्रत्याशी के तौर पर भी आ रही हैं तो जन समर्थन के लिए क्या करना है? देखिए, मेरी ताकत तो मेरी बहनें हैं, ये महिलाएं हैं, हमारे नौजवान भाई हैं, हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता है, देवतुल्य जनता है। तो मैंने आवेदन